हेलो गाइस, पीएचसी के हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी गाइस अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस फेस्टिव सेल के अंदर आपको ऐसा एक तगड़ा वाला गेमिंग डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा जिसका प्राइस ड्रॉप होके अभी सिर्फ 20,000 रुपीस हो गया है। और वो डिवाइस है गाइस रेडमी की तरफ से रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन। गाइस जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस था 25,000 रुपीस, लेकिन सेल के रिगार्डिंग आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर इतना अच्छा कैशबैक देखने के लिए मिल रहा है जिसके वजह से गाइस यह स्मार्टफोन आपको सिर्फ 20,000 रुपीस के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। कैसे गाइस यह स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपीस के अंदर देखने के लिए मिलेगा वो तो गाइस वीडियो के एंड पर बोलूंगा, लेकिन अभी इस स्मार्टफोन का एक बहुत ही धमाकेदार गेमिंग परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। लेकिन गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस को देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, उसके साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना जिससे मेरा हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा तुम्हारे पास। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमारा फ्री फायर मैक्स गेम इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी देख लेते हो। सो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो, जनरल पूरा 100 है और रेड डॉट है 93 और आपके हिसाब से सेंसिटिविटी को यहाँ पर चूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद गाइस ग्राफिक्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो, 4 ग्राफिक्स पर खेल सकते हो स्मूथ स्टैंडर्ड अल्ट्रा मैक्स। ये स्मार्टफोन बढ़िया स्मार्टफोन है, मैक्स ग्राफिक्स पर मैं खेलता हूँ। उसके साथ हाई FPS शैडो कलर फिल्टर जो भी चीज है गाइस सबको मैं हाई कर दिया, मतलब गाइस यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गेमिंग टेस्ट होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैं मेरे टीममेट को बुला लिया, अभी मैक्स ग्राफिक्स के साथ क्लैश स्क्वाड नॉर्मल एक मैच स्टार्ट कर दिया 4v4। अभी देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देखने के लिए मिलता है गेम के अंदर। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच का पहला राउंड होगा स्टार्ट। पहला राउंड पर गाइस मेरे हाथ में है M500 पिस्तौल। अभी गाइस फोन का सेंसिटिविटी देखने का बात है, तो सेंसिटिविटी देखते हैं M500 पिस्तौल के साथ कैसे सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलता है, वन टाइम हेडशॉट लगता है कि नहीं ये भी गाइस देखेंगे। सो गाइस आपको सीधा मैं फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूँ। अभी गाइस फाइट सीन के ऊपर आने के बाद मेरे सामने दो बंदा देख सकते हो, एक बंदे को तो गाइस ओपी वाला 247 का वन टाइम हेडशॉट मार दिया, अभी इसको फिनिश कर देते हैं नहीं तो रिवाइव हो जाएगा। और एक बंदा गाइस आ रहा है देख सकते हो, इसको भी ओ भाई साहब ओपी वाला वन टाइम हेडशॉट मार दिया। गाइस बैक टू बैक यहाँ पर दो बंदे को सामने और एक बंदे को वन टैप, ओ भाई भाई क्या ये वन टैप लग रहा है इस स्मार्टफोन के मदद से। सेंसिटिविटी गाइस नेक्स्ट लेवल का, पीछे और लास्ट बंदा है इसको भी गाइस वन टैप, ओ भाई साहब गाइस 4 बंदे को बैक टू बैक वन टैप। और गाइस सेंसिटिविटी देख सकते हो बहुत बढ़िया सेंसिटिविटी देखने के लिए मिला है इस स्मार्टफोन के ऊपर। और गाइस इतना अच्छा सेंसिटिविटी होने का गाइस एक ही रीजन है, इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले। यहाँ पर गाइस आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ जो टास्क सैम्पलिंग रेट है वही गाइस 240 हर्ट्ज, जिसके वजह से गाइस सेंसिटिविटी नेक्स्ट लेवल का बोल सकते हो। लेकिन गाइस कोई भी स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं और भी बहुत सारे फीचर्स का जरूरत होता है। सो गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है ये गाइस एक बार देख लेते हैं। गेमिंग के लिए सबसे पहला जो फीचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है गाइस फोन का प्रोसेसर। फोन का प्रोसेसर अगर अच्छा होगा तो गेमिंग परफॉर्मेंस और डे टू डे मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और इसके हिसाब से रेडमी K50i स्मार्टफोन एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि गाइस आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमंड सिटी 8100 चिपसेट। और ये चिपसेट एक बहुत बढ़िया फ्लैगशिप चिपसेट है और इस स्मार्टफोन के अंदर ये चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके वजह से गाइस फोन का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का बोल सकते हो और ये चिपसेट इस स्मार्टफोन को एक गेमिंग स्मार्टफोन बनाता है। और गाइस डायमंड सिटी 8100 चिपसेट का फीचर्स की बात करते हैं, ये चिपसेट एक ऑक्टाकोर 64-bit का चिपसेट है जहां पर आपको 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, मतलब गाइस ये चिपसेट 5G चिपसेट है। उसके साथ एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं, इस चिपसेट का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने के लिए मिलता है 7 लाख के ऊपर, मतलब गाइस बहुत बढ़िया एंटूटू बेंचमार्क स्कोर बोल सकते हो। गेम के अंदर थोड़ा भी लैग्स या फ्रेम ड्रॉप्स आपको नोटिस नहीं होगा इस चिपसेट के मदद से। अभी गाइस इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब गाइस नैनोमीटर साइज प्रोसेसर का जितना कम होता है वो चिपसेट उतना ज्यादा हीट एफिशिएंस होता है, बैटरी एफिशिएंस होता है, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ा वाला निकल कर देता है। और इसके मामले में गाइस ये चिपसेट एक पावरफुल चिपसेट है, क्योंकि इस चिपसेट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस। और 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब बहुत ही बढ़िया फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इस चिपसेट के अंदर उतना ज्यादा हीट महसूस नहीं होता है, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर के बाद गाइस नेक्स्ट जो फीचर्स इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है गेमिंग के मामले में वो है गाइस इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले। Redmi K50i स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले के अंदर गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया फीचर से 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, उसके साथ 240 हर्ट्ज का
टच सैम्पलिंग दे। और गाइस इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 21:5:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91.5%। उसके साथ पीक ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 600 nits का। मतलब गाइस डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है। सो गेमिंग के मामले में यह डिस्प्ले मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा वाला डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद गाइस गेमिंग के लिए नेक्स्ट फीचर से बैटरी, और बैटरी के मामले में भी ये स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 5080mAh का एक मैसिव लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी। और इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा 67 वाट का एक टर्बो चार्जर। मतलब गाइस इस स्मार्टफोन को आप सिर्फ 1 आवर के अंदर फुल चार्ज कर सकोगे। इसके अलावा गाइस आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहां पर मेन सेंसर 64MP का, 8MP वाइड एंगल, 2MP मैक्रो सेंसर, उसके साथ 16MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। सो गाइस गेमिंग के साथ साथ इस स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। गेमिंग के मामले में गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलता है, जैसे LPDDR5 का रैम सपोर्ट और UFS 3.1 का स्टोरेज वेरिएंट। उसके साथ गाइस डुअल स्टीरियो स्पीकर और स्पीकर का क्वालिटी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गाइस स्पीकर के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको लिक्विड कूल 2.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और हैप्टिक फीडबैक के लिए लीनियर मोटर का यूज भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस इस स्मार्टफोन का हैप्टिक फीडबैक भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। सो गाइस गेमिंग के मामले में यह स्मार्टफोन मेरे हिसाब से 20,000 प्राइस रेंज के अंदर सबसे तगड़ा वाला गेमिंग डिवाइस है। सो गाइस यहां पर इस स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस तो देख ही सकते हो, गेम प्ले बहुत ही स्मूथ देखने के लिए मिला है, कोई भी लैगिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। फ्लेम ड्रॉप्स की तो बात ही मत करो, कंटिन्यू आपको 60fps तक देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। और हीटिंग इश्यू की बात करो तो गाइस मेजर हीटिंग इश्यू नहीं है, हल्का फुल्का हीट तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा हीट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस गेमिंग फीचर्स इस स्मार्टफोन के अंदर कूट कूट कर भरा है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग की बात करो तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम 120GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको Amazon पर देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ 25,000 प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन गाइस अभी Amazon पर गेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, सो इस फेस्टिवल के अंदर आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मदद से अगर ऑर्डर करोगे तो 4,000 rupees का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ फोन के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां पर एक 1,000 rupees का कूपन कार्ड भी मिल जाएगा। सो गाइस टोटल 5,000 rupees का कैशबैक आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब गाइस इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट आपको मिल जाएगा सिर्फ 19,999 rupees। मतलब गाइस 20,000 rupees के अंदर, और 20,000 प्राइस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन सबसे ज्यादा तगड़ा वाला गेमिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो यह स्मार्टफोन आप 20,000 के अंदर ले सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय-बाय।